कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से कहीं ऊपर समझा है। इतिहास गवाह है, जब जब भी देश के हित की बात आती है हमने दल की राजनीति, दल के हित को नजरअंदाज करते हुए देश के हित को अग्रिम स्थान कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त दिया है। आज हमारे देश के कई जवान चाइना की बॉर्डर पर शहीद हो गए, उन परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारी पूरी संवेदना उन हमारे वीर शहीद जवानों के साथ है। चाइना ने जो किया है उसे कतई माफ नहीं कर सकते हैं हम। हमारे जवान के उन बलिदानों के लिए हमें उनसे बदला चाइना से लेना ही होगा। हमने देखा है बिहार के जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके घर पे जब मेरे बिहार के नेता राहुल गांधी जी की संवेदना से भरी हुई चिट्ठी को लेके गए, उन परिवार ने आज भी जज्बा कायम रखते हुए कहा है कि हमारे परिवार से और बच्चे देश की हिफाजत के लिए जाएंगे। ये मनोबल है, ये देश की जान है। और ऐसे देश के वीर सपूत जब शहीद हुए हैं तब कुछ सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हो, हम सब के प्रधानमंत्री हो। आप लफ्जों में तो बहुत बहुत बातें करते हो, एक्शन में कुछ करके सही दिखाना होगा आपको। आपको इस देश के प्रधानमंत्री के नाते ऐसा तो बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे हमारे कई जवानों को मारने वाले देश के मुखिया, चाइना के मुखिया कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। देखो, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो हमारी भूमि में रहे हैं, हम कहीं गए ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, कम से कम विदेश नीति में आप उन एक्सपर्ट्स को तो सुनिए। आज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना हमारी सरहद में घुस आया है। अरे प्रधानमंत्री जी, लड़ाक में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बयान दे रहे हैं कि चाइना कहीं अंदर हमारे यहां घुस आया है, फिर आप क्यों ऐसा बयान देते हो? दुख हो रहा है हमको, दर्द हो रहा है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। आप इस बार इस वक्त पे सोच समझ के आपको चलना होगा। जो जवान शहीद हुए हैं उसको निहत थे, कोई शस्त्र नहीं था उसके पास, क्यों भेज दिया आपने चाइना के सामने? निहत्थे गए हमारे लोग, और आप कहते हो कि चाइना हमारी बॉर्डर में नहीं आया, तो फिर हमारे लोग कैसे शहीद हुए? फिर हमारे घायल लोग उनके कब्जे में कैसे आ गया अगर चाइना हमारे वहां नहीं आया था? तो बयानबाजी ऐसी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, चाइना के खिलाफ लड़िए, मेरा दल जिसके ऊपर मुझे फक्र है, हम राष्ट्र के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आपको समर्थन करेंगे। राष्ट्र के हित में चाइना से बदला लीजिए, और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं वो क्यों शहीद हुए, देश की जनता को जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, देश मांग रहा है आपसे जवाब।